पिछले 3 साल से दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की सरकार कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ के घोटाले का आरोप उस पर लगा है। शिकायत में कहा गया है कि सरकार के श्रम मंत्रालय ने कई कामकाजी लोगों का भी अवैध तरीके से दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा दिया, जबकि किसी भी कंपनी में काम करने वालों और चालकों की नौकरी करने वालों का वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है। केजरीवाल सरकार का आरोप ये है कि उसने वोट बैंक मजबूत करने के मकसद से नियमों का दरकिनार कर ऐसा कदम उठाया है। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की शिकायत पर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के खिलाफ 6 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। 3 हफ्ते पहले दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर शर्मा ने भी ACB में शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ का घोटाला किया। खबरों के मुताबिक ACB ने मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच की तो उसे ऐसे कई कामकाजी लोग मिले जिनका सरकार ने अवैध तरीके से बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया था। उनमें कई ऑटो चालक और कई बुटीक में काम करने वाले लोग थे, जबकि नियमों के मुताबिक कोई भी काम करने पर बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराया जा सकता। साल 2002 में दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड के गठन का उद्देश्य था कि उसमें ऐसे नए लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए जो कहीं काम ना कर रहे हों। कंस्ट्रक्शन या अन्य साइटों पर काम करने वाले मजदूरों का बोर्ड में पंजीकरण करने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन के बाद 17 तरह की सुविधाएं देने का प्रावधान दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड में किया गया है। इसमें बच्चों की पढ़ाई, मजदूरों की पत्नी, महिला कर्मियों के गर्भवती होने पर मदद और शादियों में पैसा देने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, APR।